अगर भाई मुझे 1000 का नोट मिले, मुझे 1000 रुपया मिले। हाँ ये देखें जी, आज मैं और मायदा एक सिग्नल पर जाएंगे और हम अलामती तौर पर भीख मांगेंगे। एक फकीर एक दिन में कितने पैसे कमाता है और एक फकीर की मंथली आमदन कितनी है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर भाई मुझे 1000 का नोट मिले, मुझे 1000 रुपया मिले। हाँ ये देखें, अल्लाह दे ना आते कोई दे दे। कोई मदद कर दो। अल्लाह दे ना दे कोई मदद कर दो। अल्लाह दे ना दे कोई मदद कर दो। अल्लाह दे ना दे कोई मदद कर दो। मेरे तो सारे बाल ही बिखर गए हैं। ये सिर्फ हमने 20-25 मिनट वक्त लगाया अभी। Yeah.
भीख मांगने का इलामती प्रोसेस खत्म हुआ। मनाजर साहब क्यों ना पैसे गिन लिए जाएं कि हमने एक घंटे में कितने पैसे कमाए हैं। जी बिल्कुल, एक घंटे में मैंने भी कुछ कमाया, मुझे थोड़े कम मिले हैं, आपको ज्यादा मिले हैं, लेकिन हम इनको गिनते हैं और हिसाब लगाते हैं कि एक फकीर जो है वो एक घंटे में काम करे तो वो कितना रोजाना का कमा सकता है और मंथली कितना कमा सकता है। तो मायदा ये मेरे कुछ 400 से ज्यादा रुपए बने हैं और मनाजर साहब मेरे बहुत ज्यादा पैसे हैं आपसे, मेरे 1420 रुपए इकट्ठे हो गए। 1420 है, ये तकरीबन 2000 के करीब रुपए बन रहे हैं। अगर हम इसको मायदा जरब लगाते हैं कि 2000 अगर हम एक घंटे में एक फकीर के तौर पर हमने कमा लिए और कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ी, हमने कागज के ऊपर लिखा और हम सिर्फ गाड़ियों के पास गए और मनाजर साहब सबसे हैरानगी वाली बात है कि मैं हैरान हूँ कि हमने एक घंटा लगाया है और उसके बाद इतनी अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, तो आप सोचें कि ये लोग कैसे लोगों के जो है वो ट्रस्ट के साथ खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, रोजाना एक फकीर अगर 10 घंटे काम करता है तो वो तकरीबन 20,000 रुपए रोजाना कमाएगा। अगर 20,000 रोजाना कमाता है तो इसको जरा भाग 30 से दे मायदा तो ये अमाउंट तकरीबन 6,00,000 रुपए बन रही है। नाजरीन 6,00,000 रुपए एक फकीर अगर 10 घंटे रोजाना काम करता है तो वो 6,00,000 रुपए कमाता है। फकीर पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो इस माशरे में जितनी बेरोजगारी है, जितने लोग बेरोजगार हैं, वो हिसाब लगाए कि उनकी सैलरीज क्या है और एक फकीर रोजाना कितना कमा रहा है। मुझे तो लगता है कि फकीर हमसे ज्यादा अमीर है, फकीर हमसे ज्यादा अमीर है, लेकिन ये मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। स्टोरी का मकसद ये था कि हम ये जानें कि फकीर इस माशरे में कितना पैसा कमा रहे हैं और पढ़ा लिखा बंदा कितना पैसा कमा रहा है। खर्चे उसके भी उतने हैं बल्कि फकीर के कम पैसे खर्च होते हैं, वो कमाता ज्यादा है, खर्चे उसके कम हैं। तो जो पढ़ा लिखा बंदा है वो कमाता कम है, खर्चे उसके ज्यादा हैं। तो एक बड़ा आलमी है। नाजरीन आपको हमने सूरत हाल बताई, आप भी इस हवाले से कुछ अगर कहना चाहें, बताना चाहें, फकीर के ऊपर, पढ़े लिखे लोगों की इनकम के ऊपर, आमदन के हवाले से कुछ कहना चाहें जरूर कहें। हमें मायदा और मुझे इस स्टोरी में इजाजत दें, इंशाल्लाह दोबारा इस तरह की कोई नई स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।